तो गाइस अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से भीमताल से, हमने चाय वाय पी लिए यहाँ पे, निकलेंगे धानाचुनी के लिए, सॉरी धानाचुली। मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ ना, तो मुझे नेम इतना अच्छे से रिमेंबर नहीं है, वाली बात है। ये आ गए हम लेक साइड वाली रास्ते पे, ये रास्ता जाता है यहाँ से क्या कहते हैं नगुचिया ताल को। ये है मंदिर, ऐसी मंदिर पहाड़ों में मिलते रहते हैं रास्ते भर में बहुत सारे। क्या मस्त रोड बना दिया अरे, लेकिन ये पक्का फिसलती होगी भयंकर, बारिश पे पानी पड़ जाता होगा जब इसमें है नहीं। पहाड़ी घर बना रखा है यहाँ पे, ऐसी काड़ू दाम भी बना रखा है एक। ये आ गया गाइस हमारा गुटानी चौराहा, यहाँ से हम लेंगे राइट पहाड़ों की तरफ ऊपर को। ये मोड़ बिल्कुल वैसे ही लगता है जैसे कि अपना हेड़ा खान वाला मोड़ है, और ये रास्ता देखो मतलब अच्छा रास्ता है, सुंदर है, आपको पसंद आएगा। नए नए गांव में ऐसी लगता है गाइस, इस तरफ को तो अपनी बाइक पहली बार ही आ रही है। स्कूटी लाया हूँ एक दो बार, ज़्यादा नहीं लाया हूँ, वही जब मैं लास्ट टाइम परिताल गया था तब लाया था, और एक बार स्कूटी में हम सोनू भाई का बर्थडे मनाने गए थे ना मुक्तेश्वर, तो आते वक्त हम इसी रास्ते से आए थे। कब से आए हैं मेरे दूल्हे राजा, अपने जो दीपक भाई है उनको भी जानते हो आप, तीन पानी में रहते हैं जो, उनका घर भी इसी तरफ को पड़ता है पदमपुरी में, रास्ते में पड़ेगा। गाइस यहाँ पे गाड़ी न्यूट्रल जा सकती है शायद, तो हम इसको बंद कर लेते हैं, हम न्यूट्रल जाएंगे। वैसे नज़ारे तो वैसे भी अच्छे दिख रहे हैं, बूबू जी खड़े हैं यहाँ पे, किसका इंतज़ार कर रहा है आई डोंट नो गाइस। ये देखो कैसी ढलान है भयंकर, या और सुंदर है यार इलाका भयंकर, पेड़ों से घिरा हुआ है चारों तरफ से, जंगल से कतई मस्त है, मतलब लुक वाइज हाँ। क्या है भाई ऐसे आ रहे, देखो ऐसे आ रहे हैं इनका मोड़ों पे, ज़्यादा दिमाग आ जाता है ना गाइस इनके पास, अच्छे से गाड़ी चलाना सीख जाते हैं लोग। ये तो पूरा कतई जंगल वाला एरिया लग रहा, सीधी हो गई है रोड है, चढ़ जाएगी गाइस चढ़ जाएगी, थोड़ा सा ही है। पदमपुर यहाँ से 12 किलोमीटर है भाई साहब, क्या लगता है हम इस कार को ओवरटेक कर पाएंगे डाउन डाउन में, होप सो, हु नोस। ये ब्रोस आवई न्यूट्रल न्यूट्रल, नीचे नदी मस्त। ये है होम स्टे, देखो होम स्टे बना रखे हैं लोगों ने अपने घरों के, मतलब होम स्टे यहीं कन्वर्ट कर रखा है पहाड़ों में बढ़िया से। क्या ओके ठीक है समझ गया ओके, चलो न्यूट्रल में रेस लगाएं, चलो न्यूट्रल में रेस लगाएं। ओ गाइस बहुत तेज भाग रहे हैं लोग, लेकिन हम इनको पीछे करके रखेंगे गाइस। सोनू भाई क्या लगता है मुश्किल है, मुश्किल कुछ काम नहीं है, मुश्किल कुछ काम नहीं है, बस पता नहीं क्यों नहीं आगे जा रही हो। ओहो आगे चढ़ाई आने वाली है शायद है, देखते हैं, चढ़ाई तो चढ़ गई, और ये न्यूट्रल में हमने इनको पीछे कर दिया, पीछे कर दिया गाइस, पीछे कर दिया, रेत जीत गए। अच्छा अब तो ऐसी कहोगे। अरे यार गाइस चढ़ाई आ गई शायद, चढ़ाई आ गई गाइस चढ़ाई, और ये गांव में एंट्री हो चुकी है गाइस हम लोगों की, बहुत ज़्यादा भीड़ है गांव में, ट्रैफिक होता है, आराम आराम से चलने का फायदा है। चाफी वाला पुल आ गया आई थिंक, हम चाफी पहुँच गए, चाफी पहुँच गए मेरे भाई, परिताल चले गया, ये बल्ले बल्ले बल। दिमाग क्या है भाई, अरे हो गए तेरी बल्ले बल्ले गाइस, बल्ले बल्ले में अभी टाइम है, जब शादी होगी तभी तो होगी बल्ले बल्ले। 20 की स्पीड लिमिट हमारी 27 है, चलान मत करना गाइस। ये है हमारी नदी चाफी वाली, रिएक्शन चेक करो भाई का, और ये रास्ता जाता है अपने परिताल को, जो ये वाला रास्ता है। यहाँ पे तो काफ़ी सुंदर नज़ारा है यार, मतलब प्रकृति का, नीचे क्या क्या बना रखे हैं, पॉली हाउस जैसे बढ़िया,
बहुत ही सही। अरे हैंकर कैसे लेके आ रहा है भाई, कैसे लेके आ रहे हैं ये लोग, इसीलिए तो मैं मोड़ में ओवरटेक नहीं ले रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ सीधी रोड का। गाइस सीधी रोड मिल गई, फुलेरा जी निकालो निकालो। ओके रेस्टोरेंट, ओके ओके बड़ा। ये थोड़ा साइड चलो, साइड चलो बोल। वो भी है नज़ारे देखने का मज़ा अलग है, सुंदर तो है रोड, पैदल चलने के लिए और मस्त है, लेकिन यार वही है थोड़ा सीन पहाड़ों का। बताइए गाइस आप लोगों को, बस आ रही है, बहुत ही पतली रोड है, सोच समझ के चलानी पड़ती है यहाँ पे गाड़ी, इतनी नैरो नैरो रोड्स हैं। नरेश ने 70-80 में मोड़ काट दे रहा था इन रोडों में का, वो अलग लेवल का राइडर है भाई। वाओ गाइस कितना सुंदर है, अति अति सुंदर। बंदर हेलो, अरे बहुत सारे बंदर है गाइस यहाँ पे। तो गाइस हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे रुके हैं, कमल भाई लोगों का इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ रह गए। और ये देखो ये गाड़ी कैसी लग रही है गाइस बताओ, मस्त लग रही, और इस नज़ारे के साथ तो और भी ज़्यादा बढ़िया लग रही होगी, खूबसूरत। नीचे हमारी पूरी वो है जंगल है भयंकर ख़तरनाक ही वाला, और उसके नीचे नदी, और ये रोड बहुत ही सुंदर है, ऊपर भी जंगल है भयंकर चीड़ के पेड़ों का। यस काफ़ी ज़्यादा दूर रहेगा आई थिंक, कमल भाई फ़ोटो वोटो सेशन करने लग गए क्या पता, तो वेट करते हैं उनका, और जब आ जाएंगे फिर निकलेंगे हम लोग यहाँ से आगे। तो चलो फिर गाइस चलते हैं, दीपक भाई और कमल भाई आ गए थे और निकल गए वो आई की तरफ, पढ़ते हैं आई की तरफ। गाड़ी गाड़ी गाड़ी, यहाँ पे की रोड भी ऐसी हो रही है गाइस, ऊबड़ खाबड़ बहुत ही गंदी, बीच बीच पे रोड ख़राब है। पदमपुरी 0 किलोमीटर एंड वी फाइनली एंटर इन पदमपुरी, पदमपुरी की दुकानें स्टार्ट हो गई है। ओ ओ यहाँ पे रुके हैं भटजी लोग, आई डोंट नो व्हाई अब ये हमारे क्यों रुक गए थे। अरे कैमरा स्टार्ट नहीं हो रहा था यार, बैटरी खोल के लगाई। किधर जाना है, पुल की तरफ आओ आओ। तो गाइस स्टोरेज बंद हो गई थी ना, दिक्कत आ गई, यहाँ पे देखो पुल आ गया मस्त सा गजब एकदम। किधर क्या मतलब, हमें उधर जाना है, जाना हमें जाना नहीं है। अच्छा अच्छा इधर साइड को गाइस फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ मैं धानाचुरी वाली रोड में, बड़ी सुंदर है यार। इधर देखो महंगा पॉली हाउस, पॉली हाउस बनाए हुए हैं, और सामने ऐसा लग रहा है कि नैनीताल होगा। नज़ारा खूबसूरत है, वैसी पहाड़ियाँ नहीं है सेम। अच्छा धूप भी मस्त आ रही है इधर को, ठंडा तो हो ही नहीं रहा बिल्कुल भी, बढ़िया और का एकदम। धानाचुरी रह गए यहाँ से 12 किलोमीटर गाइस, रोड तो बहुत ही बेहतरीन है, गड्ढा था ना गड्ढा था, कार के पीछे चलने में यही तो दिक्कत होती है, गड्ढे दिखते नहीं है अचानक से आते हैं। ये आ गए हम गांव में, कोई आई डोंट नो कौन सा गांव है, कोई तो गांव है गाइस। यहाँ पे जाम जैसा क्या लग गया भाई, कतई जाम लग गया यार इधर तो। डाल दी मैंने गाइस, एक पाँव मेरा नीचे आ गया है, कोई बात नहीं। बहुत ज़्यादा जाम सा लग गया इधर तो कतई।
दिगांता रिजॉर्ट। ये हो ये देखो गाइस, ये देखो खेती खेत नज़ारा भयंकर, तबाही तबाही कह रहा हूँ, मतलब गजब। सुलेरा भाई कहाँ रह गए, गाने वाने चल रहे हैं मतलब बढ़िया। किसी से कहूं मैंने कहा लुक सही लग रहा है यहाँ पे, थोड़ा रुके खेत वेत दिख रहे। तो गाइस निकल रहे हैं भाई को धाना चली की तरफ, थोड़ा सा ही रह गया है यहाँ से, आई थिंक 5 किलोमीटर के आसपास रह गया होगा, 4 या 5 किलोमीटर। बीच में रुक गए थे, ऐसी आवाज निकालती है ना ये गाड़ी अलग ही, पता करना है कहाँ लगाऊं, यहाँ लगाऊं क्या? अरे तब तो हमें आराम से आना चाहिए था। तो गाइस फाइनली अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे धाना चूली पे, एंड यहाँ पे थोड़ा सा काम है सुनवाई को, देखते हैं निबटता है, फिर निकलेंगे कहीं और को फोटो सेशन करेंगे बढ़िया सा। ठीक ठीक, चलो गाइस उस टावर तक जाना है। वो टावर पे जाना है, ये टावर भाई का हो चुका है काम, और हमारी ये राइड यहीं तक थी धाना चली तक, एंड आई होप कि आपको आज की राइड में मज़ा आएगा। मज़ा आया तो वीडियो करना है लाइक कमेंट, एंड चैनल बनाया तो कर चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, फिलहाल यहाँ से हम जा रहे हैं डाउन साइड घर की तरफ, लेकिन उस चीज़ का मैं वीलॉग नहीं बनाने वाला हूँ क्योंकि रास्ता सेम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय गाइस। फुलेर जी बाय बाय बाय, सोनू भाई मैं जा रहा हूँ, सोनू भाई बाय।